नेक्स्ट अगे अपने को आर्टिकल हैगा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। सो इलैक्ट्रिक डाइपोल दे करके आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के उत्ते कैलकुलेट करना है। सपोज कर लो भी अपने को इलैक्ट्रिक डाइपोल की हुंदा आ भी माइनस क्यू चार्ज ते प्लस क्यू चार्ज जिहड़ा इक्वल एंड अपोजिट चार्जिज सैपरेटिड बाय ए सर्टन डिस्टेंस। सपोज कर लो माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट के उत्ते आ, प्लस क्यू चार्ज जिहड़ा कि बी पॉइंट के उत्ते आ, और इस डाइपोल का जिहड़ा कि सेंटर वो की आ ओ पॉइंट। ठीक है, डाइपोल की लेंथ जिहड़ी कि बराबर हैगी आ टू ए दे बराबर, टू ए लो या टू एल लो कोई मतलब कि आप कंसिडर कर सकते हैं डाइपोल की लेंथ टू एल टू ए। ठीक है, इतने आप ओ ए जिहड़ा कि आ ए बराबर होगा, इस तरह ओ बी भी जिहड़ा ए दे बराबर होगा। ठीक है, सपोज कर लो भी अपने को इतने अपने पॉइंट पी कंसिडर कर लें जिथे आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इस डाइपोल दे करके जिहड़ा कैलकुलेट करना है। तो इस पी पॉइंट का जिहड़ा डिस्टेंस इस ओ पॉइंट तो किन्ना हैगा आ, लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस इज आर डिस्टेंस, ओ पी डिस्टेंस अपने को जिहड़ा किन्ना आ, ओ पी डिस्टेंस जिहड़ा आर दे बराबर है। ठीक है, और ए भी अपने को डाइपोल लेंथ जिहड़ी किन्नी हैगी आ वो टू ए, इहदे विच ओ ए ओ जिहड़ा की आ ए दे बराबर आ, ओ बी भी जिहड़ा की आ ए दे बराबर आ। ठीक है, क्योंकि आपां जिहड़ा हाफ लिया मिडल पॉइंट उहदा डाइपोल दा, इस करके जिहड़ा दोनों पासे ए ओ भी जिहड़ा ए दे बराबर होगा, ओ बी भी जिहड़ा ए दे बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगे आप पी पॉइंट के उत्ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो पहला आप जिहड़ा कि वन बाय वन करके जिहड़ा पोटेंशियल कैलकुलेट करांगे, पहला ए पॉइंट के उत्ते जिहड़ा चार्ज आ माइनस क्यू उहदे करके पोटेंशियल कैलकुलेट करांगे, फिर जिहड़ा कि आ बी पॉइंट के उत्ते जिहड़ा चार्ज प्लस क्यू आ उहदे करके जिहड़ा कि पी पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल कैलकुलेट करांगे। सो पहला जिहड़ा कि अपने को ए पॉइंट के उत्ते चार्ज माइनस क्यू आ उहदे करके पी पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल जिहड़ा किन्ना होगा, आ अपने को डिस्टेंस किन्ना बन गया इहदा पी पॉइंट तो लैके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस ए पी जिहड़ा कि अपने को बन गया, तो पोटेंशियल फिर किन्ना होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज किन्ना माइनस क्यू ओवर डिस्टेंस जिहड़ा किन्ना ए पी। ठीक है स्टूडेंट्स, जे अपने को चार्ज प्लस का आया तो आप इतने जिहड़ा कि प्लस लगावांगे, जे अपने को माइनस का आया तो फिर आप जिहड़ा माइनस जिहड़ा कि वह लगावांगे। ठीक है, सो डिपेंड करता पोटेंशियल कहो जिहा होगा, नैगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो चार्ज की नेचर के उत्ते डिपेंड करता है। जे चार्ज पॉजिटिव आ तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होएगा, जे अपने को चार्ज नैगेटिव आ तो पोटेंशियल भी नैगेटिव होगा। सो नैक्सट अपने को इस तरह आप बी पॉइंट के दे करके जिहड़ा कि आ जिहड़ा चार्ज आ प्लस क्यू उहदे करके पी पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल जिहड़ा किन्ना होगा वह भी आप कैलकुलेट कर लाँगे। बी बी इज इक्वल टू कि बराबर आजगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय बी पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल पोटेंशियल जिहड़ा कि अपने को किन्ना आजगा पी पॉइंट के उत्ते, दोनों नूं आपां जिहड़ा कि सम कर लाँगे, दोनों के करके जिहड़ा पोटेंशियल हैगा ही उन्हां दा अलजैबरिक सम जिहड़ा कि वो टोटल पोटेंशियल के बराबर आजगा। ठीक है, सो वी ए दी वैल्यू जिहड़ी किन्नी हैगी आपां इत्थे सब्सटीट्यूट कर दांगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर ए पी, माइनस साइन इत्थे बाहर रख लाँगे, प्लस वी बी जिहड़ा वो किन्ना सी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय बी पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को टोटल पोटेंशियल जिहड़ा की आ वो आजूगा। ठीक है, हुण आपां इहदे विच की करना कैलकुलेट करना वैल्यूज़ ए ए पी ते बी पी दी। ठीक है, वो आपां किस तरह कैलकुलेट करांगे। ठीक है, हुण सपोज करो भी आ अपने को आर जिहड़ा डिस्टेंस आ सेंटर तो वह किन्ना एंगल बना रहा है डाइपोल दे नाल, वो आपां अज्यूम कर लेने थीटा एंगल जिहड़ा कि वह बना रहा है। ठीक है,
हूँ आप ए पी की वैल्यू जी की फाइंड आउट करनी है, हानू ओ पी की वैल्यू जी पता हैगी है। ठीक है, इसे में आप करा कि आर जरा डिस्टेंस है इनू पिछे तक जरा वो एक्सटेंड कर देंगे डिस्टेंस न इस हिसाब के नाल पिछे तक एक्सटेंड करा ता जो ए पॉइंट तो जी एक लाइन आप जी ड्रा करिए इस लाइन के उत्ते परपेंडिकुलरली फॉल करे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस गल की समझ लग गई, इस लाइन ओ पी आप पिछले पासे एक्सटेंड कर देवे और इस हिसाब के नाल एक्सटेंड करा ता जो ए पॉइंट तो जी लाइन आप खिंचा इस लाइन के उत्ते वो परपेंडिकुलरली फॉल करे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जरा बनावे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का इतने एंगल जरा कि बनूगा इन तो यह मतलब यह होगा भी आ अपने को लाइन जी ए तो लैके पी तक वाली लाइन तो एक आ वाली लाइन जी इतों तक जी आ रही है 90 डिग्री के एंगल तक, ये दोनों लाइन की हो जाएगी बराबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हूँ आप जे इतने अपने को एंगल थीटा आ तो ये नाल इधरले पासे भी एंगल जरा कि होगा थीटा होगा, सो सेम दो लाइन के जरा एंगल थीटा इन्हों पिछा एक्सटेंड कर दें तो उन्होंने भी एंगल जरा कि हो जाता थीटा ही हो जाता है। ओके, इन्नी गल क्लीयर होगी। सो ये जरा कि अपने को परपेंडिकुलर जिथे आप बनाया दोनों लाइन का उन्होंने आप जो लाइन कंसिडर उस पॉइंट को आप कह दें एम पॉइंट जरा कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये अपने को राइट एंगल ज ट्राई एंगल बन जाती है ए एम ओ इन राइट एंगल ट्राई एंगल ए एम ओ ए ओ एम एंगल जो कि है थीटा के बराबर है, ए ओ एम जो एंगल वो कि है थीटा के बराबर आ और ए ओ की वैल्यू तुम पता आ ए ओ जो कि ए बराबर, यानी कि डाइपोल लेंथ जी की आदा हाफ आ, यानी कि टू ए का हाफ कि हो गया ए। ठीक है, सो हूँ आप जी की कैलकुलेट करना आ वाली जी इन्नी तो आप वैल्यू पता है ओ तो लैके पी तक जी वैल्यू पता है ओ एम जे वैल्यू आप कैलकुलेट कर लाँगे तो अपने को पी एम जरा की ए पी के बराबर जरा की हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आप जरा ओ एम कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैं तुम्हें फॉर्मूला दसिया है भी जी चीज़ आप कैलकुलेट करनी होनू आप उपर रखी का आप इस ट्राई एंगल दे ओ एम फाइंड आउट करना है उन्होंने उपर रखो डिवाइडेड बाय जी आप वैल्यू ये नॉन हो तिना अपने को जड़िया साइड्स है उन्होंने वैल्यू कि नॉन है ए ओ साइड जी नॉन है ए ओ जी की नीचे रखनी है। ठीक है, तो ये की बन गया साढ़े को बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जरा कि होंगे कॉस थीटा के बराबर, तो ये बन गया साढ़े कोस थीटा, इतों अपने को ओ एम की वैल्यू जी कि आ जूगी ओ एम इज इक्वल टू ए ओ कॉस थीटा और ए ओ जरा कि आ ए बराबर, यदा मतलब ए कॉस थीटा जरा कि ओ एम की वैल्यू जी कि आ जूगी ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हूँ अपन पता है कि ए पी जी वो कि बराबर आ ए पी इज इक्वल टू कि बराबर होगी पी ओ प्लस ओ एम, पी ओ प्लस ओ एम ए पी जी मैं तुम दसा दोनों साइडा जीडिया कि बराबर हो ट्राई एंगल दियाँ। ठीक है, यदा मतलब ए पी साइड जी की अपने को पी ओ प्लस ओ एम दे जी बराबर होगी, पी ओ की वैल्यू तुम जी पता आ रहा तो ओ एम की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर ली कि ए कॉस थीटा, यदा मतलब ए पी की वैल्यू इतों साढ़े को आ गई आर प्लस ए कॉस थीटा, सो पहली अपने को वैल्यू जी कैलकुलेट होगी ए पी। ठीक है, किन्नी आर प्लस ए कॉस थीटा, गल क्लीयर होगी स्टूडेंट्स। इस तरह हूँ आप जरा बी पी वैल्यू भी जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
अभी तार लो इन अगे मैं जरा की आ अगली कैलकुलेट आप जा रहे हैं वैल्यू कि बीपी हम बीपी वैल्यू जी किस तरह कैलकुलेट करा हूँ ये देखो बीपी जी वो किस तरह आप करा कैलकुलेट कि इतों आप जो कि परपेंडिकुलर जरा इतों अपने बी पॉइंट तो परपेंडिकुलर इस लाइन के उत्ते ओ पी के उत्ते इस हिसाब न सुटा ठीक है आ अपने को परपेंडिकुलर जरा आप ड्रा कर दिता कि इस लाइन के उत्ते ओ पी लाइन के उत्ते कितों बी पॉइंट तो ये की होगा अपने को आ जी वैल्यू आ बी पी की वैल्यू वो कि बराबर आ जाऊगी एस वैल्यू के जोड़ा की आ बराबर आ जाऊगी ठीक है स्टूडेंट्स इनू आप पॉइंट कंसिडर कर लें एन पॉइंट ठीक है बी पी कि बराबर आ जाऊगा पी एन के बराबर जरा वो आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स वो हूँ ये अपने को राइट एंगल ट्राई एंगल इन राइट एंगल ट्राई एंगल कि बनेगी बी एन ओ बी एन ओ इस ट्राई एंगल दे एंगल एन ओ बी जिहड़ा वो कि बराबर आऊगा थीटा दे बराबर और ओ बी की वैल्यू आपू पता है वह कि बराबर होंगी ए दे बराबर ओके फिर अं जो कि एक ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो बनावे जी चीज़ आप लभनी है कि चीज़ लभनी है या ओ पी जी आर आर दे ओ एन जे आप माइनस कर दिए तो बाकी वैल्यू अपने को आ रह जूगी पी एन तो पी एन कि बराबर होनी पी बी के बराबर होनी फिर आप पता लग जूगा पी बी की वैल्यू का या बी पी की वैल्यू का सो ये ट्राई एंगल दे देखो अपने को केड़ी वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है ओ एन ठीक है स्टूडेंट्स और पता केड़ी आ ओ बी और केड़ी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो आ गई बेस ओवर आई फोर्टी न्यूज फिर यह आजूगी कॉस थीटा इतों अपने को ओ एन जी कि बराबर आजूगी ओ बी कॉस थीटा के बराबर ठीक है ओ बी की वैल्यू आपू पता आ ए बराबर होंगी ए कॉस थीटा जी की वैल्यू आ जूगी ओ एन ठीक है ओके हुण आपां की कैलकुलेट करना बी पी कैलकुलेट करना सो बी पी जिहड़ा आ ओह किहदे बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू एन पी तो एन पी किहदे बराबर होगा जे आपां ओ पी दे विचों ओ एन जिहड़ा माइनस कर दिए ओ पी दे विचों ओ एन माइनस कर देंगे बाकी किन्ना रह जूगा एन पी ठीक है और ओ एन पी कि बराबर होगा बी पी के बराबर सो यदा मतलब ओ पी अपने को कि आर माइनस ओ एन कि ए कॉस थीटा ओके गल क्लीयर होगी समझ लग गई इतों इतों अपने को वैल्यू जी कैलकुलेट हो जूगी बी पी कि बराबर आर माइनस ए कॉस थीटा ठीक है स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज आप पता लग गई ए पी की भी वैल्यू कैलकुलेट होगी आर प्लस ए कोस थीटा और बी पी की भी वैल्यू कैलकुलेट होगी आर माइनस ए कोस थीटा ठीक है स्टूडेंट इतों तुम्हें पता लग ही गया होगा वेखो वह वैल्यू आ एक च प्लस हो रही है एक चो माइनस हो रही है ठीक है स्टूडेंट्स अगे चलिए आप हूँ आ अपने को जी इक्वेशन हैगी सी ये आप वैल्यूज दोनों कैलकुल आप सब्सीट्यूट कर देंगे सब्सीट्यूट कर की आजूगा वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ये वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट जरा कि बाहर रख लीए क्यू भी जरा कि कॉमन है उन्होंने भी बाहर रख लो ठीक है पहला प्लस वाली जी रकम है वह लिख लो वन ओवर बी पी माइनस इधर माइनस वाली रकम ही वो वन ओवर ए पी अंदरले पास जरा कि लिख लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स हूँ आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने को क्यू अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट ठीक है वन ओवर बी पी की वैल्यू कितनी है वन ओवर
आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए पी कितना है वो अपने को आ गया वन अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लग गई। अगे अपने को इन्ना सिंपलीफाई कर लांगे आपां। सो टोटल पोटेंशियल जिहड़ा कितना आजूगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की थले एलसीएम कितना आजूगा आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटे का जिहड़ा कि एलसीएम कितना आजूगा आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी का जिहड़ा कि अपने को फार्मूला बन जूगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। ठीक है ये अपने को एलसीएम आप फाइंड आउट करता इन्ना आ गया अगे मल्टीप्लाई हो जूगा आर प्लस ए कॉस थीटा अगे माइनस आ गया फिर अपने को ए इधर मल्टीप्लाई हो जूगा आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है तो ये अपने को नेक्स्ट अगला स्टेप आ जूगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कॉस थीटा बार माइनस का निशान आ अंदरले निशान जिहड़े चेंज हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे प्लस ए कॉस थीटा आ जाएगा। नीचे अपने को ही एलसीएम आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा एक आर जिहड़ा की है दूसरे आर के नाल जिहड़ा कैंसल हो जूगा एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसल हो गए ये अपने को वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा तो ए कॉस थीटा कितना हो गया टू ए कॉस थीटा ओवर आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा। ठीक है तो इतने अपने को नेक्स्ट स्टेप की आ जाऊगा बार वन अपॉन फोर फाइव साइलन नॉट क्यू नू आप अंदरले पासे ले जाएंगे क्यू इंटू टू ए जिहड़ा की आजूगा नाल कॉस थीटा ओवर आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा और क्यू इंटू टू ए की होंगे अपने को डाइपोल मूवमेंट। ठीक है क्यू इंटू टू ए की वैल्यू जी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने को कितना आजूगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा ये अपने को वैल्यू आजूगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी पी पॉइंट दे उते ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स ओके इन्नी गल क्लीयर होगी हुण इहदा आपां एक स्पैशल केस भी जिहड़ा की कर सकते हैं ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਫ ਡਾਈਪੋਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਾਈਪੋਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ अपने को ए दे। ठीक है ऑब्जरवेशन पॉइंट जिहड़ा कि बहुत दूर होगा एज कंपेयर टू एस डाइपोल लेंथ दे। ठीक है उदो जिहड़ा कि अपने को पोटेंशियल दी वैल्यू जिहड़ी कितनी आ जूगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये आप जिहड़ा कि ए स्केयर इतने जिहड़ा कि कैन बी निगलैक्टेड और ए जिहड़ा कितना आ जूगा जीरो दे बराबर उन्हों आप जिहड़ा कंसिडर कर लाँगे। ठीक है सो पी कॉस थीटा ओवर आस्क ये जिहड़ा की आ निगलैक्ट हो जाऊगा। ठीक है ओके गल क्लीयर हो गई नहीं तो यदा मतलब अपने को पोटेंशियल जिहड़ा की आ इहदे केस दे विच वो अपने को डैट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू वन बाय आर स्केयर। तो स्टूडेंट्स इस गल का ध्यान रखो ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਨ ਬਾਏ ਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੀ ਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਨ ਬਾਏ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ
प्रपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ओके, गल क्लीयर हो गई। इन्नी एक अपने को अगे नैक्सट डिफरेंट केसिज आ जाते ये, एक अपने को केस यदा बनता अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, एक एक्सियल लाइन के। इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन केड़ा आ, पी पॉइंट, पी लाइज ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशन, लाइज ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशन, या इक्वेटोरियल लाइन के उत्ते कह लो कि लाई करता पाया आ पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन, तो फिर की होगा। सो इक्वेटोरियल लाइन कि होंगी है जी, ये 90 डिग्री के उत्ते जरा पास होंगी है डाइपोल तो। सो उस केस दे वेच अपने को पॉइंट पी जिहड़ा की है इस इक्वेटोरियल लाइन के उत्ते लाई करूगा। आ जिहड़ा आर जिहड़ा डिस्टेंस आ ये की हो जूगा इस डाइपोल दे नाल एंगल कितना बनाऊगा उस केस वेच 90 डिग्री का। सो उस केस वेच अपने को थीटा की वैल्यू कितनी हो जूगी 90 डिग्री जिहड़ी वो हो जूगी। ठीक है, सो 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी तो अपने को पोटेंशियल जिहड़ा कितना आ जूगा, V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught P cos 90। ठीक है, ओवर अपने को आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर 90। ठीक है, हम देखो स्टूडेंट्स कॉस 90 जिहड़ा की है वह कि होंदा 0, जो उपरली टर्म ही 0 होगी तो जिहड़ी भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो सारी टर्म्स कितनी हो जूगी 0 हो जूगी, तो मतलब टोटल पोटेंशियल जिहड़ा की अपने को इक्वेटोरियल पोजिशन के उत्ते जिहड़ा वो कितना आऊगा 0 के बराबर जिहड़ा वो आऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा अपने को जिहड़ा की है केस बनता है कि जे इफ पॉइंट, इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के उत्ते जे पॉइंट पी मौजूद होगा तो फिर अपने को वैल्यू जी वो कितनी आऊगी। ठीक है, हुण एक्सियल लाइन जी इस डाइपोल लेंथ के अलोंग जी लाइन होंगी है उन्होंने आपां जिहड़ा एक्सियल लाइन कह दें। तो पॉइंट पी इस एक्सीयल लाइन के उत्ते जिहड़ा की लाई करता पाया। ठीक है, आर जिहड़ा डिस्टेंस इस तो सेंटर तो आर डिस्टेंस इधरले पासे बनूगा, गल क्लीयर हो गई। सो आर डिस्टेंस का जिहड़ा की आ अपने को डाइपोल लेंथ दे नाल कितना एंगल बनता पाया वो आपां थीटा कहा सी, हुण इस एक्सीयल लाइन के केस दे विच थीटा कितना हो जूगा 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन का 90 डिग्री एंगल बनूगा तो एक्सीयल लाइन का कितना एंगल बनूगा 0 डिग्री जिहड़ा वो एंगल बनूगा। ठीक है, सो इत्थे जिहड़ा की अपने को एक्सप्रैशन की आ जूगा कॉस थीटे की जगह कितना आ जाऊगा कॉस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इत्थे अपने को वैल्यू फिर कितनी आ जाऊगी 1/4 pi epsilon naught P cos 0, कॉस 0 कितना हो जाता 1। ठीक है, ओवर आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर 0 आ, फिर ए 1 का स्केयर जरा 1 ही हो गया, आर स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया। तो पोटेंशियल जिहड़ा की अपने को उस पॉइंट पी दे उत्ते जिहड़ा एक्सियल लाइन दे उत्ते मौजूद आ उत्थे अपने को पोटेंशियल कितना आ जूगा 1/4 pi epsilon naught P ओवर आर स्केयर माइनस ए स्केयर के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी समझ लग गई है। सो पोटेंशियल जिहड़ा की है तुसीं देख लो कि इक्वेटोरियल इत्थे आपां जिहड़ा की आ ई क्यू पा दिओ कि पता लग जूगा कि पोटेंशियल जिहड़ा की है इक्वेटोरियल पोजिशन के उत्ते आ, इत्थे ए एक्स जिहड़ा एक्सीयल पा दिओ ये अपने को एक्सीयल पोजिशन के उत्ते जिहड़ा ये आ जूगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगे पता तो ये जिहड़ा की है अपने को एक्सप्रैशन आ गया इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द इलैक्ट्रिक डाइपोल।
सिंपल जी गल आ, कोई ये सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी जी लंबी हैगी आ, बाकी जो प्रोसीजर आ वो एक सिंपल जहा ही प्रोसीजर आ कि आप डाइपोल लै लेना आ। डाइपोल दे करके जो कोई पॉइंट पी इतने कंसिडर किया, ठीक है, उस पी पॉइंट के उत्ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल आप कैलकुलेट करना आ, जिन्ना माइनस क्यू चार्ज करके पोटेंशियल आ ते एक प्लस क्यू चार्ज करके इतने पोटेंशियल, जो दोनों पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेने तो उन्होंने आप अलजैबरिक सम उन्हों का करके वो टोटल पोटेंशियल रीप्रजेंट करेगा। फिर वो जिहड़ियां वैल्यूज़ आ ए पी ते बी पी दी वैल्यूज़ जिहड़ियां वो कैलकुलेट करनियां, किस तरह आप जिहड़ा कि उन्हों मतलब के सॉल्व किया मैथेमैटिकली, वो जिहड़ियां ट्रिक्स जिहड़ियां आ उन्हां नूं जिहड़ा समझ लेना, ठीक है, वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करके टोटल पोटेंशियल दे विच आपां जिहड़ा सबस्टिट्यूट कर देनियां आ, ठीक है, ते अपने को जिहड़ा पोटेंशियल वो कैलकुलेट हो जूगा वो पॉइंट पी दे उत्ते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुता औखा नहीं हैगा, एक्सियल लाइन के उत्ते ते इक्वेटोरियल लाइन के उत्ते जिहड़ा कि वो बाद च कैलकुलेट कर लेना एज ए स्पैशल केस के तौर पर, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजिशन के उत्ते एंगल जिहड़ा 90 होगा, तो एक्सियल पोजिशन के उत्ते जिहड़ा कि एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। वो सबस्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू तो अपने को एक्सप्रैशन जिहड़े एक्सियल लाइन वास्ते तो इक्वेटोरियल लाइन वास्ते जिहड़े वो कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद है कि तुहानू जिहड़ा कि जरूर समझ लग गई होगी। थैंक यू वेरी मच।